हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, ये मैंने एक स्ट्रिप से बिना बुकरम बिना अस्तर ये ड्रेस बनाया है, और आप देख सकते हो मैंने कैप पर सिलाई भी नहीं दिखाई दे रही। तो मैंने कुछ नए तरीके से ड्रेस बनाया है, पूरे वीडियो में स्टेप बाय बताया है गाइस। और ये ड्रेस हम कैसे नाप लेंगे तो मैंने बाल गोपाल जी का नाप लेकर इस वीडियो में बताया है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आप भी घर पर आसानी से बना सकते हैं। गाइस, वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करना। मैंने और भी बहुत सारे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस के, ज्वेलरी के, कुकिंग के, बातिक के वीडियोस बनाए। अगर आपको देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 नंबर के कान्हा जी लिए हैं, तो इसका हम नाप लेंगे पहले। तो कुछ इस तरह से हम नेजर पट्टी को रखेंगे और इस तरह से नाप लेंगे। तो गाइस, बहुत ही इजी तरीका है। तो ये मैंने नाप लिया है, अब आपको मैं इसकी लंबाई दिखा देती हूँ। तो ये 12 इंच आई है, तो हमें स्ट्रिप की लंबाई 12 इंच लेनी है। बहुत ही इजी तरीके से, देखिए मैं दूसरी तरीके से भी नाप लेकर आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे हमारे 12 इंच आ रहा है, तो हम पहले 12 इंच की एक स्ट्रिप काट लेते हैं। यहाँ पे मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। स्ट्रिप में जो टेढ़ा कपड़ा है ना, उसको हम पहले कट कर लेते हैं और एक लंबी अच्छी स्ट्रिप बना लेते हैं। तो ये स्ट्रिप हो गई, तो इसकी लंबाई है 12 इंच और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। अब हम क्या करेंगे, एक साइड इस तरह से डबल फोल्ड करके टिच कर लेंगे। तो चलिए पहले टिच कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी टिच हो गई है। अब हम दूसरी साइड भी सिंगल फोल्ड करके टिच कर लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये हमारी टिच हो गई है। एक्स्ट्रा धागा कट कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और दोनों किनारों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ पे टिच कर लेंगे। तो देखिए, ये हमारी टिच हो गई है। तो ये मैंने टिच 4 इंच की है, ऊपर मैंने खुला रखा है, वहीं पे हम लड्डू गोपाल जी का सीध डालेंगे। एक लंबी स्ट्रिप ली है, इसकी लंबाई है 13.5 और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। सेंटर निकाल के बीच में हम पहले टिच कर लेते हैं ताकि हमारी स्ट्रिप टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। आप चाहो तो यहाँ पे रिबिन का, लेस का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़े का यूज़ किया है। तो इस तरह से दोनों साइड फोल्ड करके अच्छी तरह से सेट करके हमें पूरी स्ट्रिप में टिच लगा देना है। तो चलिए पहले टिच कर लेते हैं। गाइज, हमारी टिच हो गई और हमारा ड्रेस भी बनके रेडी है। अब हम बनाएंगे कैप। तो कैप में मैंने सिलाई नहीं दिखाई दे रही है, इस तरह की कैप बनाई। तो हमें इस तरह से कपड़े को मोड़ना है। सिर्फ 2 ही सिलाई से हमारी कैप बनके रेडी हो जाएगी। अब हम दोनों किनारों को मिलाकर टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा धागा कपड़ा कट कर लेंगे। तो देखिए गाइज, ये हमारी टिच हो गई है। अब हम ऊपर की तरफ सुई और धागे की मदद से टाके ले लेंगे, यानी कि टिच कर लेंगे। कुछ इस तरह से हमें गोल गोल टाके लेना है। और अच्छी तरह से खींच लेना है धागे को, और यहाँ पे धागे को लपेट के अच्छी तरह से नॉट लगाना है ताकि हमारा धागा कपड़ा छूटे नहीं।
नॉट लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा धागा और कपड़ा दोनों काट लेंगे और इसको पलट लेंगे, सीधा कर लेंगे। तो ये हमारी प्यारी सी कैप बनके रेडी है।